अगर आपको सिल्की शाइनी स्मूथ हेयर पसंद नहीं है ना, तो ट्रस्ट मी आज का ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक हेयर मास्क प्लस एक हेयर ड्रिंक जो हेल्प करेगा आपके बालों को एक्स्ट्रा स्मूथ, शाइनियर और हेल्दियर बनाने में। प्लस ये इंटरनली ड्रिंक आपको हील करके आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगा। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर वाचिंग डॉक्टर विंगार्डियम। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड लविंग दिस समर सीजन। येस, समर सीजन इज जस्ट हेयर एंड फॉर मी समर सीजन इज इक्वल टू हेयर मास्क सीजन। लाइक आप समर्स में कितने सारे हेयर मास्क यूज़ कर सकते हैं ना अपने बालों में, और ऑलरेडी हमारा स्कैल्प इतना हीटेड रहता है कि हमें ऐसा होता है कि कुछ ठंडा ठंडा लगाया जाए और बालों को ठंडा ठंडा कूल कूल किया जाए। तो आज कुछ ऐसा ही हम इस वीडियो में करने वाले हैं, प्लस उसके साथ हमारी हेयर ग्रोथ भी प्रमोट होगी और हमारे बाल सुंदर भी दिखाई देंगे। अब विंटर सीजन में तो हमने इतने बहाने बना लिए कि यार हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ठंड में कौन लगाएगा हेयर मास्क। तो अब समर सीजन में ऐसा कोई भी बहाना नहीं चलेगा एंड यू हैव टू प्रिपेयर दिस मास्क फॉर योर सेल्फ। एंड आप बस एक बार ट्राई करिएगा, आपको ना ट्रस्ट में ऐसा लगेगा कि आपके बाल अगर उनका वेट अगर आपको 2 grams लगता था तो वो आपको 4 grams लगना लगेगा। ये 2 गुना आपको ऐसे लगेगा, 2 गुना ज़्यादा हैवी आपके बाल हो गए। आई कैन नॉट प्रॉपरली एक्सप्लेन इट हेयर, बट आप ट्राई करेंगे देन यू विल फील कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ बेसिकली। सो आज का जो हमारा स्टार इंग्रेडिएंट है ना इस DIY का, वो है फेनुग्रीक सीड्स। फेनुग्रीक सीड्स पे काफ़ी टाइम पहले एक एक्सपेरिमेंट भी हुआ था जिसमें ये पाया गया था कि फेनुग्रीक सीड्स अगर हम खाते हैं तो ये हमारी बॉडी में जो DHT हॉर्मोन्स होते हैं जो हेयर लॉस में हेल्प करते हैं हमारी बॉडी को, उसको स्टेबल करता है और हमारी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। ये एक बेसिक सी चीज़ है जो मैं आपको बता रही हूँ, बाकी जो बेनिफिट्स हैं वो मैं आगे वीडियो में आपको बताऊँगी। सो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हमें चाहिए फेनुग्रीक सीड्स, सेकेंड इन्ग्रीडियंट है हमारा कर्ड एंड दैट्स इट। हमें 2 ही चीज़ें चाहिए, बाकी जिन लोगों को कर्ड में ये हेयर मास्क नहीं बनाना है वो कर्ड को एग के साथ भी रिप्लेस कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो लेट्स प्रिपेयर टूडेज हेयर मास्क। इस मास्क को बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए 2 tablespoons ऑफ फेनुग्रीक सीड्स। अब मेरे हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग 2 tablespoons हो जाता है, बट जिसकी हेयर लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा है तो वो अपने हेयर लेंथ के अकॉर्डिंग सीड्स ले सकते हैं। अभी आपको इसको ओवरनाइट सोक करके रख लेना है एंड इट इज़ मैंडेटरी। अगर आपके पास फेनुग्रीक सीड्स का ऑलरेडी पाउडर्ड फॉर्म है तो आप वो भी ओवरनाइट भिगो कर रख लीजिए। उसके लिए आपको क्या करना है, पानी में नहीं भिगोना है, आपको उसे कर्ड में सोक करके रख देना है। अब मैं यहाँ पर इसको भिगो के ओवरनाइट रख लूँगी एंड नेक्स्ट मॉर्निंग जब हम इसे देखेंगे ना, इन सीड्स का ऑलमोस्ट 2 गुना ये बड़े हो जाएंगे, जो इनका एक्चुअल साइज़ था ना उससे ये डबल हो जाएंगे। उसके बाद इस पानी का आपने क्या करना है वो मैं बाद में बताऊँगी, लेकिन उस पानी को आपने अलग से ग्लास में छान कर रख लेना है। एंड उसके बाद मैं ग्राइंड करने वाला वो चीज़ भूल गई फिल्म करना, तो आपने इन सीड्स को ग्राइंड कर लेना है कर्ड के साथ। एंड ट्रस्ट मी, ये इतने ईजीली ग्राइंड हो जाते हैं ना, अगर आप ड्राइड फेनुग्रीक सीड्स को ग्राइंड करने की कोशिश करेंगे ना तो इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। एंड इट्स माई पर्सनल टिप कि आप कभी भी फेनुग्रीक सीड्स को अपने घर के छोटे ग्राइंडर में ग्राइंड ना करें, क्योंकि लिटरली आपके ब्लेड्स टूट जाएंगे। लेकिन ओवरनाइट सोक करने के बाद वो इतना सॉफ्ट हो जाता है ना कि वो उसको ग्राइंड करना बहुत ईजी हो जाता है। उसके बाद मैंने इसको मिक्स कर दिया कर्ड के साथ एंड मैंने इसको आधा घंटा आराम से साइड में अच्छे से मिक्स होने दिया। जिनको बहुत ज़्यादा ड्राइनेस रहती है ना अपने स्कैल्प में, वो लोग यहाँ पर एग भी ऐड कर सकते हैं एंड दिस इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल, क्योंकि कर्ड इज़ सफिशेंट इनफ। मैंने यहाँ पर एग सिर्फ और सिर्फ इसलिए यूज़ किया है क्योंकि फेनुग्रीक सीड्स ना आपको थोड़ा सा डिहाइड्रेटेड फील करवा सकता है, बट वो कर्ड ऑलमोस्ट मेंटेन कर लेता है, बट
स्टिल इफ यू वॉन्ट टू तो आप इसमें एग यूज करें, अदरवाइज नो प्रॉब्लम एट ऑल। मेरा स्कैल्प थोड़ा सा डिहाइड्रेटेड रहता है और अभी समर सीजन भी आ गया है, प्रॉपरली अगर हम पानी नहीं पियेंगे तो स्कैल्प तो ड्राई होगा ही। एंड उसके बाद भी मिक्सचर सेम ही वैसा बनेगा जैसा कर्ड के साथ बना है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। इसको आपने मिक्स कर लेना है अच्छे से। सो अभी हमने प्रेपरेशन कर लिया। अभी हेयर मास्क लगाने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान से सुननी होगी, अदरवाइज आप बोलोगे कि यार ये सब बेकार है, मेरा दिमाग ख़राब कर दिया इस रेमेडी ने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने बालों को अच्छे से सुलझाना है हेयर मास्क की एप्लीकेशन करने से पहले। आपको पहले इसे स्कैल्प पे लगाना है, उसके बाद आप अपने स्ट्रैंड्स पे लगा लीजिए। एंड द मेन थिंग इज़ कि आपको इसे किसी शार्क कैप या पन्नी से कवर करके रखना है, इसका मॉइस्चर रिटेन करके रखना है, अदरवाइज़ यू कैन नॉट गेट रिड ऑफ दिस मास्क। जब मैंने पहली बार बस ऐसे ही वीडियो देख के इसको लगा लिया था ना, मैं आपको बोलूँ कि मैंने 6 से 7 बार अपने बालों को धोया था बट ये निकला नहीं था, और ये बालों को तोड़ भी देगा अगर आप इसे पन्नी से कवर नहीं करेंगे। एंड 2015 में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसमें 50 लोगों को रखा गया था और उनको 3 मंथ्स तक कंटिन्यूसली कंजप्शन भी करवाया गया था मेथी दाना का और एप्लीकेशन भी करवाया गया था। एंड दोज आर एलोपेशिया के पेशेंट जिसमें 21 की एज में आते आते ही आपके सारे बाल चले जाते हैं, एंड उनको न्यू हेयर रीग्रोथ देखा गया सिर्फ और सिर्फ फेनुग्रीक के कंजप्शन से। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना पावरफुल ये हेयर मास्क है। वो जो पानी बच गया था हेयर मास्क बनाने से पहले, उस पानी को हमने एवरी मॉर्निंग कंज्यूम करना है। आप क्या करिए, एवरी डे 1 चम्मच इसे भिगोकर रख लीजिए एंड उसका कंजप्शन करिए एवरी डे। एंड उसके बाद जो मेथी दाना बच गया है उसे फ्रिज में रख लीजिए एंड वीक के एंड में आप उसको एज अ हेयर मास्क यूज़ कर लीजिए। तो ये तो हमने जान लिया कि इस रेमेडी को हमें बेसिकली करना कैसे है एंड हमें ये ड्रिंक भी पीना है। अब आप ड्रिंक यहाँ पर स्किप नहीं करेंगे क्योंकि मैं अपने वीडियोस में आप ड्रिंक साथ में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमारी इंटरनल डेफिशिएंसीज भी तो हो सकती है ना, इसीलिए मे बी हमारे ऊपर कोई भी चीज़ काम नहीं कर रही। फेनुग्रीक सीड्स में होता है फॉलिक एसिड, बेसिकली जो सी फूड में पाया जाता है, और जो हम फिश ऑयल के सप्लीमेंट्स लेते हैं ना उसमें भी फॉलिक एसिड ही होता है। तो जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं उन लोगों के लिए तो ये एक मैजिकल सप्लीमेंट है जो आप घर बैठे डेली ले सकते हैं। मेक श्योर कि आप जब भी इसको ले तो आप 1-2 ग्लास एक्स्ट्रा पानी का पिए। दिन में आपको 4 से 5 ग्लास, एटलीस्ट 4 से 5 ग्लास पानी तो पीना ही है, उससे ज़्यादा अगर पी सकते हैं तो इट्स ओके, बट अगर आप 4 से 5 भी पीते हैं सो इट्स ग्रेट फॉर योर स्किन एंड योर हेयर हेल्थ। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक इट। इफ येस देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन stay safe, stay healthy, bye-bye.